गुड इवनिंग फ्रॉम विधानसभा। हम लोग मोपेड का स्पीड टेस्ट और सर्विसिंग कराते कराते पहुंच गए विधानसभा। अरे यहाँ निब्बा निब्बी का इतना जबरदस्त वाला भीड़ है कि हर 2 सेकंड में 4 गाड़ी पार होता है, जिसके वजह से आवाज में प्रॉब्लम, मतलब वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए पहले खड़ा हो लेते हैं, उसके बाद कुछ कुछ खाते खाते और बात करते हैं, ठीक है। तो पीछे विधानसभा है, हम लोग पहुंच गए मोपेड लेके, मोपेड मुन्ना जिसका पुराना नाम है। लोग एंजॉय करते हैं। आप लोग एक बारी हम लोग का पीछे का जो राइड है, सर्विसिंग वगैरह जो घर से निकले थे, वो देख करके आइए। तब तक हम लोग यहाँ मस्ती करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोग जा रहे हैं इस मोपेड टीवीएस मोपेड का सर्विसिंग कराने। और अभी हम लोग इटकी मोड़ से थोड़ा पहले, और आप लोग देख सकते हैं फ्यूल इंडिकेटर जो है इंडिकेट कर रहा है फ्यूल पूरा लो है। तो पहले फ्यूल व्यूल लेते हैं, इसका स्पीड स्पीड देखेंगे कैसा है। 1 महीना हो चुका है गाड़ी का, तो सर्विसिंग 1 महीना में कराना पड़ता है, उसी के लिए अभी हम लोग निकले हैं। तेल हो गया अभी, कैसे हो गया 87.76। तो फ्यूल लेने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं और इटकी से थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा सा बोले तो इटकी मोड़ से लगभग 200 मीटर आ गया। आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर बंद हो गया, क्योंकि 210 का तेल ये तो हुआ 2.39 लीटर के आसपास हुआ था। पता है स्पेशल एडिशन का फायदा क्या है, मतलब मजेदार बात जो कि सबसे ज़्यादा मज़ा आया, चार्जिंग पॉइंट दिया है यहाँ। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये बहुत शानदार फीचर्स दिया है। ऊपर से ये ओनो बटन भी है, किक के लिए, किक का जरूरत तो वैसे है नहीं। और स्पीड आप लोग देख रहे होंगे अभी 45 के बाद इधर रेड कर दिया गया, वैसे वाइब्रेट कर रहा है गाड़ी 45 में, पर उतना भी बुरा नहीं लग रहा। और एक्सपीरियंस जो है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा वाला, मज़ा आ रहा है। सर्विसिंग के बाद हम लोग चलेंगे विधानसभा घूमने, देखते हैं ये पहला होगा मोपेड से कहीं घूमने जा रहे हैं। विधानसभा वैसे आज तक कभी गए नहीं, तो देखते हैं कितना मजा आता है, कैसा है। फोटो में तो बहुत देख चुके हैं, अब लाइव देखने का मन कर रहा है। वैसे जैसे हम लोगों ने सुना है कि सर्विसिंग के बाद स्पीड जो है गाड़ी का इंक्रीज होता है, तो पहले अभी का स्पीड देखते हैं, उसके बाद सर्विसिंग के बाद का स्पीड, तो आप भी देखिए कितना जाता है अभी, उसके बाद फिर बाद का भी स्पीड देखेंगे। तो कैमरा में हल्का सा नीचे कर लेता हूँ, जिससे स्पीडो मीटर पे फोकस रहे और आप लोगों को पता चले कि रियल में क्या है। ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, कॉम्बो ब्रेक दिया है स्कूटी जैसे, एक मारिए दोनों प्रेस हो गया, मतलब दोनों में लगेगा। तो मज़ा तो आ रहा है खूब ज़्यादा वाला। रिएक्शन भी देखते हैं विधानसभा पहुँचने के बाद कि जब मोपेड पे 2 लोग जाए तो क्या रिएक्शन आता है। अब स्पीड का मजा लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा फुल एक्सलेटर में गाड़ी पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, पूरा जबरदस्त वाला वाइब्रेट कर रहा है। आवाज भी बहुत अलग टाइप से कर रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा शायद। तो गाड़ी कितना भी भगा ली, कितना भी लंबा टाइम तक 65 तक पहुंच पाया, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे 2 जन है तो गाड़ी का बैलेंसिंग अभी तक तो काफ़ी सही लग रहा है। चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं सर्विसिंग पॉइंट में, वहाँ दिखाते हैं हम लोगों को कुछ अगर मिल जाए तो, और नहीं तो डायरेक्ट मिलेंगे। तो मोपेड का सर्विसिंग तो हो गया कंप्लीट, पर अफसोस सब अंडर हुआ तो कुछ भी नहीं दिखा पाए। क्या शोरूम में बैठ के क्या दिखाते, बस वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे थे। और टाइम तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया, यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, क्योंकि हम लोग को जाना है शॉर्टकट। तो आप लोग बोर्ड देख ही सकते हैं, धुरवा विधानसभा इधर से शॉर्टकट है, गांव वाला रोड स्टेशन रेलवे स्टेशन। ये रोड ही मतलब जो छोटा सा पैच था खत्म, यहाँ से स्ट्रेट ये रांची रिंग रोड
तो सर्विसिंग के बाद भी कोई खास नया 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 नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा गाड़ी नया लग रहा है, धुला गया। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस 1-2 किलोमीटर रह गया है। और वैसे थोड़ा ओकवर्ड फीलिंग भी हो रहा है क्योंकि हम लोग नूना में है, मतलब मोपेड में है, तो ओकवर्ड फीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कारण नहीं है कि नूना में, इसलिए प्रॉब्लम इसलिए है, ओकवर्ड फीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि नूना में घूमने जा रहे हैं सब धज के, वो भी 2 जन, तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद रिएक्शन जरूर दिखाएंगे कि जब 2 लोग नूना में घूमता है तो क्या रिएक्शन आता है, वो भी मतलब हम लोग के एज का लड़का लोग, यंग लड़का लोग घूमे तो क्या रिएक्शन आता है पब्लिक का, वो देखेंगे। सरस्वती पूजा का फील तो आप लोग ले रहे हैं, ये जो विधानसभा है इसका जो गठन हुआ 15 नवंबर 2020 में हुआ था, और ये पहले HEC में था, अब बाद में इधर साइड में बनाया गया, ये धुरवा के साइड में। और इस विधानसभा में 110 लोगों का आसन का पूरा व्यवस्था है। और यह JSCA क्रिकेट स्टेडियम का फ्रंट वाला व्यू, ये व्यू तो आपने देखा ही होगा, फिर कभी आएंगे मैच देखूंगा तो दिखाएंगे ये व्यू। चलते हैं लेफ्ट लेके विधानसभा। जब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ था तब ये सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वायरल था कि हम आज पहली बार रास्ते पे घुस चुके हैं। नजारा अपने सामने को बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा क्योंकि ये निपा निपि पॉइंट है। आप लोग यहाँ निपा निपि फोटोशूट के लिए एकदम बहुत ज़्यादा फेमस है ये तो आप लोगों को आवाज़ तो सुनाई नहीं दिया होगा, पर आगे वाले जो दिख रहे हैं ना, मामा पुलिस मामा, मैं तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बताना चाहिए कि नहीं आ रहा चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी जो रिएक्शन है और जो फीलिंग है ना वो बहुत गजब वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मोपेड लेके आया बगल वाला, बस आप लोग व्यू का मजा लीजिए, कुछ बताने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल कभी बढ़ता है कभी तुरंत से लो हो जाता है। वैसे यहाँ जितने भी नेता होता है ना सबका यहाँ व्यवस्था है रहने का। हम लोग स्टार्टिंग में तो गए थे गेट नंबर 2 में, वहाँ से घुसने भी नहीं दिया, पर क्या करे घुसने नहीं दिया। और जो फोटो पॉइंट है ना जो सब फोटो डालता है यही वाला लग रहा है ना जबरदस्त वाला सीन, भीड़ पूरा आगे देख रहे होंगे, उधर गए थे अभी फिर से जाएंगे, अभी आगे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार रिएक्शन विएक्शन कुछ दिख जाए तो रिकॉर्ड तो करना है, तो कुछ है नहीं यहाँ, कुछ बताने का है भी नहीं तो क्या बताएं। वैसे आप घूमने आएंगे तो मज़ा बहुत आएगा क्योंकि वैसे भी झारखंड क्या इंडिया में लोग घूमते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, तो उसके लिए ये शानदार जगह है। As you can see, हम लोग वापस जा रहे हैं अब क्योंकि कुछ खास जगह है नहीं, क्या रहेगा कुछ है नहीं, वैसे बस आइए तो फोटो ही खिंचा सकते हैं, उसके अलावा तो यहाँ और कुछ का मौका भी नहीं मिलेगा। अंदर उधर गए थे पर उधर जाने नहीं दिया, तो कहीं अंदर वगैरह नहीं जा सकते हैं, तब वापस जा रहे हैं डायरेक्ट घर। टाइम हो रहा है 4:00 PM। नूना का स्पीड तो आप लोग देख ही लिए क्या था, ये वीडियो बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए था, वैसे ये कुछ खास ब्लॉग है नहीं, आप लोगों को कितना बार बताया है, तो बस ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ही है, अपना कुछ सुधार करने के लिए कि कुछ होता भी है कि नहीं, तो बस अब चलते हैं। वैसे सच कहूँ तो यहाँ घूमने लायक कुछ भी नहीं है, मतलब घूमने लायक क्या, बस ये फोटो शूट के लिए, बस देखने के लिए आ सकते हैं, कुछ वैसा है नहीं, एंजॉय करने लायक कुछ नहीं है, बस फोटो शूट ही कर सकते हैं, तो ये क्या ही ब्लॉग हो सकता था इसमें, मतलब आप खुद ही सोच के देखेंगे कुछ है ही नहीं, बस एक विधानसभा है समझिए, एक हवेली है, हवेली को क्या करेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे, अंदर घुसने दिया नहीं जाता है। और कितना प्रदूषण फैला रहे हो बे, तो ये प्रदूषण वाले चचा से आगे निकलते हैं फिलहाल, तो जगह का नाम तो पता नहीं है लेकिन एक छोटा सा पेच जो हम लोग को पता था 2-3 किलोमीटर का वो लिए हैं,
ये डायरेक्ट निकालेगा हम लोगों को गुटवा तालाब से थोड़ा मतलब पास में। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जो मैंने पहले भी बोल ही रखा है, जो रेड कलर का दिख रहा है ना, उसको ग्रे कर दीजिए। अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कुछ तो है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अभी यह वीडियो इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा मजा लेने वाले हैं लूना का रिंग रोड में। तो अब होता है स्टार्ट स्पीड टेस्टिंग का मेन पार्ट। KTM अपाची ये सब का तो बहुत स्पीड टेस्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, आज हम लोग लूना का स्पीड टेस्ट देखिए कितना स्पीड तक भगा सकते हैं। अभी तक तो 62 या 3 में होगा, इससे इंक्रीज अभी तक नहीं हुआ है। और वैसे हम लोग दो लोग हैं, अकेले सिंगल में शायद 70 पहुंच जाता लग रहा था, और अभी तक मैंने हिम्मत नहीं हारी है। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब वाला बटन को ग्रे करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए रियल वाला बाय।